सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने पैडलेगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में ब्रिगेडियर गोविंद मिश्र ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। अब 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, पहले हम 26 से 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाते थे, लेकिन उचित मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी से 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाने के लिए कहा है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 30 साल की उम्र में राजनीति में आए थे। उस समय के वह सबसे युवा नेता थे और 50 साल से पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उस 30 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने देश के जवानों के लिए संदेश दिया कि आप नई पीढ़ी के हो और देश आपसे उम्मीद करता है कि आप धर्म जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ेंगे और राष्ट्रीयता के लिए काम करेंगे, जिससे देश फिर एक बार सोने की चिड़िया बन जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के कैप्टन भास्कर पांडे, कैप्टन ओम प्रकाश यादव, सूबेदार मेजर नित्यानंद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्र ने कहा, बोलो भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्र गोरखपुर से। आज एक विशेष दिन है साहब की, आज जयंती तो है ही है, लेकिन सालों बाद इस जयंती को रिकग्निशन मिला है, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर डिक्लेयर किए हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अभी से 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। पहले हम 26 से 29 तक ये समारोह मनाते थे, लेकिन अभी नेताजी को उचित मान्यता देते हुए उनके जन्मदिन से लेकर और 29 जनवरी जबकि बीटिंग ऑफ द रिट्रीट होती है, तब तक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ये देश का एक बहुत उचित श्रद्धांजलि नेताजी, जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया देश की आज़ादी के लिए, उस वीर सपूत के लिए है। इंडिया गेट पर मूर्ति लग रही है। जयंती पर क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी एक युवा नेता थे, अगर आप उनका आप कार्यकाल देखें तो 30 साल की उम्र में वो राजनीति में आए थे और 50 साल से पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उस 20 साल के अवधि में एक नवयुवक के तौर पर उन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने नौजवानों को और ख़ास तौर पर भारतीय सेना के जो युद्धबंदी थे जापान और जर्मनी में, उन लोगों को संगठित कर INA खड़ा किया, जिससे उन्होंने अपनी संगठन दूरदर्शिता का परिचय दिया। नौजवानों के लिए उनका संदेश था कि आप नई पीढ़ी के हो, देश आपसे उम्मीद करता है कि आप धर्म जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के तरफ बढ़ेंगे और राष्ट्रीयता के लिए काम करेंगे, जिससे कि देश फिर एक बार सोने की चिड़िया जो पहले था वैसा हो सके।